नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ साहेब अली। बिहार में कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर कोरोना का वायरस का जो प्रकोप है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है। बिहार में स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने ट्वीट करके अभी सारी डिटेल दे दी है, जिसके बारे में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने पहले जानकारी दी थी कि बिहार में 46 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स मिले हैं। अब संजय कुमार के ट्विटर पर देख लीजिए, ये पुष्टि हो गई है कौन कहाँ का है और कौन से जिले में कितने पेशेंट्स मिले हैं। तो आप देख सकते हैं ये संजय कुमार का ट्वीट है, उन्होंने अपने ट्विटर पर लिखा है कि फर्स्ट अपडेट ऑफ द डे, 46 मोर कोविड 19 पॉजिटिव केसेज इन बिहार, टेकिंग टोटल नंबर 1079 का आंकड़ा बता रहे हैं। लेकिन अगर हम मंगल पांडे का जोड़ा जाए तो उन्होंने 1080 का आंकड़ा दिया था। जो भी हो, लेकिन अभी फर्दर डिटेल अगर जान लेते हैं हम लोग, तो ये जो है सभी के डिटेल्स को खंगाला जा रहा है और ये कल का रिजल्ट है जो कि आज देर से आने की वजह से दिया नहीं जा सका। तो हम अगर एक एक करके ये पूरे सबको देखा जाए तो आप देख सकते हैं, एक कॉलम में जेंडर बताया गया है, दूसरे कॉलम में एज, तीसरे में एड्रेस, चौथे में डिस्ट्रिक्ट है। पहला आप देख सकते हैं जमुई से, एक लाइन से केसेस हैं, जमुई में कुल 7 केसेस मिले हैं जिसमें कि एक फीमेल है। वहीं अगर हम समस्तीपुर की बात करें तो एक समस्तीपुर में केस मिला है जो कि मेल है, 17 साल का। बाकी के नीचे आप देख सकते हैं कि शेखपुरा के पेशेंट हैं जो कि उसमें एक फीमेल है, बाकी सारे के सारे मेल हैं। यही अगर पटना की हम बात कर लें तो पटना के 5 कोरोना पॉजिटिव मिले, जिसमें कि एक बख्तियारपुर का है, फीमेल बताई जा रही है, 14 साल की, और बाकी के बीएमपी 14, खाजपुरा के सारे जवान हैं। उसके बाद अगर हम बात करें औरंगाबाद की, तो औरंगाबाद टाउन में से दोनों पेशेंट मिले, दोनों के दोनों मेल हैं। मुंगेर से एक 2 साल का मासूम बच्चा कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इसके साथ ही साथ बांका में कुल 18 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और उसमें से सभी के सभी मेल हैं, और उसमें ज़्यादातर लोग जो हैं वो ढोरैया है, पैच, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो ढोरैया के हैं। और उसके बाद बेलहर कटोरिया के रहने वाले सभी लोग हैं, कुछ लोग रजाऊ के भी हैं। और उसके बाद अगर देखिएगा आप तो कटिहार से 3 मरीज मिले हैं, जिसमें कि मोतिहारी और सोनाखाल पैच। आगे अगर देखिए तो कटिहार से 3 मरीज मिले। तो आप देख सकते हैं कई जिलों में संक्रमण, कटिहार में, बांका में सबसे ज़्यादा, उसके बाद फिर पटना में, उसके बाद औरंगाबाद में, मुंगेर में, शेखपुरा में, समस्तीपुर में, जमुई में। तो ये सारे एक साथ 46 केसेस जो सामने आए हैं बिहार के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव के मुताबिक, ये सभी की पुष्टि हो चुकी है, सबका आंकड़ा आपने देख लिया। बिहार में जो कोरोना वायरस है उसका प्रकोप काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। जमुई की अगर हम बात कर लें तो जमुई में सबसे लेट से ये वायरस पहुंचा, लेकिन जो हमारे वहाँ पर संवाददाता हैं उनकी रिपोर्ट अगर आप देखिएगा तो जमुई में लॉकडाउन का पालन ही नहीं हो रहा है। तो अगर इसी तरह के हालात रहे तो फिर कोरोना वायरस का विस्तार भी उतना ही तेज़ होगा। आपको बता दें कि बांका कुल अब जो है कि वहाँ पे 18 पेशेंट मिले हैं पॉजिटिव, अभी जैसा कि संजय कुमार ने अपने ट्वीट में बताया है। तो कहीं ना कहीं उन 18 की जब ट्रेल को खंगाला जाएगा, चेन जो उनकी है, तो उससे और भी ज़्यादा पेशेंट आने की उम्मीद है। फिलहाल ये फर्स्ट अपडेट था, आप लाइव सिटी साथ बन रहे हैं, बिहार से, देश दुनिया की तमाम खबरों से लगातार अपडेट रख रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक करें, विस्तार से खबरों को पढ़ने के लिए लाइव सिटी.in पर जाएँ। धन्यवाद।